मान लिया बड़े ताकतवर हुआ, बड़े बहादुर हुआ। कितने बहादुर, इतने ताकतवर हुआ कि आप अपने परिवार वालों को कांधा दोगे। सलमान खान की इस वीडियो को लोग बहुत ही गलत तरीके से वायरल कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि सलमान खान ने रोलैंड बिश्नोई को जो है खुली धमकी दी है, खुला चैलेंज दिया है कि आप इतने ताकतवर हो गए हो कि आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप अपने परिवार को कंधा दे पाओगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो अभी का नहीं है, ये वीडियो तब का है जब पूरी दुनिया के अंदर कोरोना की महामारी थी। तब सलमान खान ने ये वीडियो बनाया था लोगों के लिए, क्योंकि कोरोना के टाइम पर सारे लोग अपने घर से निकलकर घूम रहे थे, कोई भी लोग अपने घर में नहीं रुक रहे थे। तो सलमान खान ने अपने फैनों के लिए ये पर्सनली एक वीडियो बनाई थी, बोला था कि डॉक्टर नर्सेस आपकी जान बचाते हैं, आप उनका कहना नहीं मानने कि आप जो है फिर भी अपने घर से बाहर घूम रहे हो। तो ये वीडियो तब का है। लोगों ने इस वीडियो को जो है रोनाल्ड बिश्नोई से कंपेयर कर दिया कि जैसे रोनाल्ड बिश्नोई ने सलमान खान को खुली धमकी दी थी, ऐसी सलमान खान ने जो है रोनाल्ड बिश्नोई को एकदम चैलेंज किया है। आप लोग खुद देख सकते हो, मैं ये वीडियो फुल लेकर आया हूँ, ढूंढ कर लेकर आया हूँ, बड़ी मुश्किलों से ये वीडियो मिली है। तो आप पहले ये वीडियो देखो, सलमान खान ने क्या बोला है, या बाकी में सलमान खान ने रोनाल्ड बिश्नोई को धमकी दी है या कोई और विषय पर सलमान खान ने ये वीडियो बनाई थी। पहले आप ये वीडियो देखिए, देखिए जरा। ये कमाल है, डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सेज आपकी जान बचाने के लिए आए, और आपने उन पर पत्थर बरसा दिया। जो कोरोना से डिटेक्ट हो रहा है, वाह, वो हॉस्पिटल से भाग रहा है। भाग के जाओगे कहाँ, किस ओर भाग रहे हो, जिंदगी की ओर भाग रहे हो या मौत की ओर भाग रहे हो? अगर ये डॉक्टर तुम्हारे इलाज नहीं करते और पुलिस सड़कों पे नहीं होती, तो चंद लोगों की वजह से जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि हमें नहीं होगा, वो हिंदुस्तान के ढेर सारे लोगों को लेकर चल बसेंगे। देखो, मैं उनकी बात समझता हूँ, जिनके पास कुछ खाने को नहीं है, बच्चों को खिलाने को नहीं है। अब उन्हें मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि परिवार गुजर जाने से बेहतर है कि ये बिना खाए पिए ये वक्त गुजर जाए। बहुत अच्छा काम हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि वाकई में हिंदुस्तान एक दूसरे से दिल से जुड़ा है। लेकिन चंद जोकरों की वजह से ये बीमारी फैली जा रही है। अगर आपके एक्शन ऐसे नहीं होते तो पुलिस के लिए एक्शन वैसे नहीं होते। अगर आपके एक्शन ऐसे नहीं होते तो हजारों पुलिस वालों को, हजारों डॉक्टर्स को, नर्सिस को और आवाम को कोरोना वायरस नहीं होता। इतने लोगों का काम तमाम नहीं होता और अभी तक हम सब वापस से काम पे लग गए होते। चाइना से शुरू हुआ है, चाइना में कब का ख़त्म हो गया, लेकिन इन चंद लोगों की वजह से पूरा हिंदुस्तान एक लंबे समय के लिए घर पे बैठेगा। मान लिया बड़े ताकतवर हुआ, बड़े बहादुर हुआ। कितने बहादुर, इतने ताकतवर हुआ कि आप अपने परिवार वालों को कांधा दोगे, उनकी अर्थी उठाओगे। इतना जिगर है आप, क्यों आप यमराज और मलिकुल मौत बनना चाहते हो, और क्यों अपने परिवार के लोगों पे इन्ना लिल्ला है और राम नाम सत्य है पढ़ना चाहते हो? हर बात के दो पहलू होते हैं, इसके भी दो ही हैं। एक पहलू यह है कि हम सब रहें, दूसरा पहलू यह है कि कोई ना रहे। आप डिसाइड करो।